झारखंड में लगातार चिकित्सकों पर हमले हो रहे हैं, इसके विरोध में आईएमए के बैनर तले देख सकते हैं कि तमाम चिकित्सक जो है वो धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि इनकी मजबूरी है। हम बात करते हैं डॉक्टर भारती कश्यप से। मैम, क्यों आखिर आप लोगों को बार बार, हम लोगों की बरसों से अनसुनी मांग है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, और सरकार इसको दशकों से अनसुनी कर रही है। अभी देखिए कि दूर दराज के इलाके हैं, चतरा है, पलामू है, गढ़वा है, वहाँ तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है, तो वहाँ पे डॉक्टरों पर आए दिन हमले शुरू से होते आए हैं। लेकिन अब राजधानी रांची के बीच में नामी ग्रामी डॉक्टरों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवा का क्या भविष्य है। और अभी हम लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने डॉक्टर हाजरा दंपति और डॉक्टर सौरभ के मृत्यु उपरांत उनके परिजनों को मदद देने का बहुत संवेदनशील मामला उठाया था, उसके लिए भी सरकार असंवेदनशील है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हाजरा दंपति की जहां मौत हुई, इसके अगल बगल आग लगने से जिन लोगों की मौत हुई उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मुआवजा मिला, लेकिन डॉक्टर दंपति की इतनी अवहेलना की गई, तो सरकार वास्तव में डॉक्टरों के प्रति बहुत असंवेदनशील है। और हम बात करते हैं आईएमए के सचिव हैं डॉक्टर प्रदीप, कब तक आप लोगों का ऐसे चलेगा? लंबे समय से देख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई सरकार की ओर से पहल नहीं दिख रही है। ये सवाल तो आपके माध्यम से हम सरकार से पूछ रहे हैं कि क्यों डॉक्टर रोड पे है। बार बार हम लोग जो है सरकार को मेमोरेंडम दे रहे हैं, सारे लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों या नेता हों, सारे लोगों के पास अपनी समस्याएँ रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार डॉक्टरों पर हिंसा हो रही है, चाहे वो हजारीबाग हो, लोहरदगा हो, गढ़वा हो, रांची में आपने देखा कि किस तरह से वरिष्ठ डॉक्टर के साथ मारपीट घर पे की गई है। तो इस तरह लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार क्यों अनजान बनकर बैठी हुई है, क्यों नहीं सकता? हम लोग कोई आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग तो सिर्फ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि असुरक्षित डॉक्टर से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर चिकित्सा व्यवस्था दे सकता है। जहाँ तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, कोई झारखंड पहला राज्य नहीं है, 23 राज्यों में यह लागू है। और ये समझने की बात है, ये डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये आप नाम रखिए ना, पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ भी आप रख लीजिए, इसमें जो भी प्रावधान है उससे मरीजों को एक सुरक्षित वातावरण में जो है निर्भीक होकर डॉक्टर इलाज करे, और दूसरे मरीजों को हिंसा से कोई इलाज, मरीजों को कोई खतरा नहीं हो, वह भी डॉक्टर मरीजों को रेफर करना बंद करें, तो ये सब सारी बातें हैं। और ये सरकार को स्वस्थ जब तक वातावरण नहीं देंगे, बाहर का कोई भी स्वास्थ्य में इन्वेस्टर आज बिहार में आ रहा है, झारखंड में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सरकार से पूछिए क्यों सरकार चुप है, क्या ये जनउपयोगी मामला नहीं है कि आज सारे डॉक्टर जो हैं रोड पे हैं, मरीज इलाज के लिए बाहर घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है उत्पन्न, तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, बुला के डॉक्टरों से बात करनी चाहिए और इसका हल ढूंढना चाहिए। कितने डॉक्टर आज पूरे झारखंड की बात करें तो हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार? सारे सरकारी, गैर सरकारी, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सिंगल क्लिनिक, पैथोलॉजी, एक्सरे, जितने चिकित्सक झारखंड में, आज सारे जगह काम बंद है। कितना उम्मीद है सरकार से कि सरकार आप लोगों की बात, क्योंकि सदन में भी यह मामला गूंज रहा है, बजट सत्र चल रहा है उस दौरान? अब ये इसका सवाल का तो जवाब हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लगातार सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं ना। अब पाला जो बॉल जो है सरकार के पाले में है, सरकार इसको किस रूप में देख रही है और किस तरीके से इसका हल करना चाहती है, ये सरकार को देखना है। सरकार को संवेदनशील होना होगा, और जनहित से जुड़ा हुआ यह मामला है और इस पर कोई जो है ठोस कदम उठाए। आज एक दिवसीय है, इसके आगे की कुछ और रणनीति तय की? बिल्कुल, ये हम लोग तो कभी स्ट्राइक करना चाहते नहीं ना, इसीलिए हम लोगों ने सांकेतिक किया है। इसके बाद सरकार को हम मौका दे रहे हैं कि आप संज्ञान लीजिए और ये जनउपयोगी जो इश्यूज है इस पर सॉर्ट आउट कीजिए, इस पर बैठ के कोई इसका रास्ता निकालिए, नहीं निकालिएगा तो फिर ऐसे माहौल में आप कोई भी डॉक्टर जो है भयभीत भी है, आक्रोशित भी है, काम करने के लिए तैयार नहीं है। यह एक बहुत गलत चीज़ हो रही है डॉक्टर्स के साथ, जिसके कारण पूरे सोसाइटी को झेलना पड़ रहा है। डॉक्टर्स तो कभी नहीं चाहते हैं कि वो कभी स्ट्राइक पे जाएं या काम ना करें या ओपीडी बंद करें या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स। हाँ, डॉक्टर्स ने हमेशा एक डिमांड रखी थी कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, आज के दिन में पूरा सिविल सोसाइटी, राज्य का हर एक जनता चाहती है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, ताकि इस तरह की सिविल अनरेस्ट ना हो, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ना हो, और जो मिसक्रिएंट्स हैं
जो डॉक्टर्स पे हमला करते हैं या डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं उनको कानूनी रूप से सजा मिले, ताकि नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल जो नॉर्मल लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। तो पूरी जनता हर एक लोग चाहते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन लागू हो, ताकि जो भी वैसे लोग हैं जो डॉक्टर्स पे हमला करते हैं या डॉक्टर्स के साथ गलत करते हैं, डॉक्टर्स के किसी तरह दुर्व्यवहार करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लगाया जाए। और ये कानून ऑलरेडी 28 में से 23 राज्यों में लगा हुआ है, यहाँ भी सरकार को जल्दी से जल्दी इसको लगा देना। कब तक आप लोग ऐसे आंदोलन करेंगे? आप लोगों को कोरोना योद्धा का दर्जा मिला, दुनिया का भगवान कहा जाता है, उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, हम लोग चिकित्सक वर्ग हैं और कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम अपनी सेवा को बंद करें, क्योंकि ये मानवता से रिलेटेड है। परंतु विवश होकर के आज एक दिन का सांकेतिक हम लोग किए हैं कार्य बहिष्कार, और आज शाम में हम लोग निर्णय लेंगे आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि हमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ही चाहिए। बिना मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का ये जो सारी वारदातें हो रही है नहीं रुकेगी। इसके अगेंस्ट में हम लोग को मेडिकल प्रोटेक्शन सरकार दे और हम चिकित्सक को सुरक्षित करें। डॉक्टर अंचल के साथ जो घटना घटी उसमें गिरफ्तारी भी अब तक होने की कोई पुष्टि नहीं है। हाँ, इसके लिए भी हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जो भी इसमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए। तो तमाम चिकित्सकों में गुस्सा है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, और इस ओर कुछ युवा हैं, डॉक्टर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, कब तक आप लोग ऐसे आंदोलन करेंगे? देखिए, ये चीज़ें तो ऐसी है कि जब तक हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिलता है सारे डॉक्टर्स को, तो ये तो बंद करना मुश्किल है ना। बंद करने से इस चीज़ को मतलब आगे जारी रखना ही एक ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, नहीं तो सेवा इस तरह से बंद करना तो हमें भी पसंद नहीं है, पर अपने लिए आवाज़ तो उठाना पड़ेगा ना। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं मिल रही है डॉक्टर्स को, फीमेल्स को भी और मेल्स को भी। ऐसे में कितना सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं आप लोग, क्योंकि रात में भी नाइट ड्यूटी देती है इमरजेंसी, और ऐसे हमले हो रहे हैं तो कितना डर रहता है काम करने में? बिल्कुल डर रहता है, जैसा कि पहले भी बोला मैंने कि मेल और फीमेल दोनों को डर रहती है, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों के साथ भी हादसे हो रहे हैं, काफ़ी डर रहता है। कभी भी जब एक पेशेंट को लेके बड़ी भीड़ आती है, इमरजेंसी हो चाहे रूटीन केस हो, तो डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हमला हो जाए। आप अकेले भी ड्यूटी पे हो या ग्रुप पे भी हो, तो किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो तमाम देख सकते हैं आपके हाथों में बैनर और तख्ती लिए हुए हैं, जिस पर लिखा हुआ है जब तक कोई सुनवाई नहीं तब तक कोई दवाई नहीं। तो आखिरकार लंबे समय से मजबूरी इनकी हुई कि बात सरकार ने नहीं सुनी और आखिरकार इन्हें एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करना पड़ा है। फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई है और रिम्स में तमाम डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। बात करें तो हाल के दिनों में चाहे वह गढ़वा हो, चतरा हो, हजारीबाग हो, और दो दिन पूर्व रांची में जिस तरह से चिकित्सकों पर हमला हो रहा है उससे इनके में गुस्सा है, और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर अब मुखर होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यह मामला बजट सत्र के दौरान सदन में भी गूंज रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई या कोई ठोस आश्वासन डॉक्टरों को नहीं दिया जा रहा। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, अपने सहयोगी पूर्णिमा के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।